हाय गाइस, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सिंथेटिक्स के गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंथेटिक्स के गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे लोग प्रपोजल्स डालते हैं, जहां पर वो सिंथेटिक्स प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए या बढ़िया बनाने के लिए अपनी अपनी राय देते हैं और अपने अपने प्रोजेक्ट से प्रपोजल डालते हैं कि वो उसे किस तरह से हेल्प कर सकते हैं सिंथेटिक्स के इकोसिस्टम को इन जनरल। और वहां पर एज ए सिंथेटिक्स होल्डर आपके पास पूरे राइट्स हैं उस प्रपोजल को पढ़ने का, समझने का और उसमें फिर वोट करने का कि ये प्रपोजल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में अगेन फिर अगर जो भी कम्युनिटी डिसीजन लेती है वो प्रपोजल पास होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो सिंथेटिक्स के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सही प्रोजेक्ट्स को वोट कर सकते हैं ताकि वो आगे जाएं और वो सिंथेटिक्स की में और वैल्यू ऐड कर सकें। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं सिंथेटिक्स के गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम लोग यूआई को चेक करेंगे, वो है gov.synthetics.io। और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपको दिख रहे हैं जो कि अभी जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि इन्हें देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर अलग अलग आपको प्रपोजल दिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाले प्रपोजल पे देख लेते हैं कि ये वाला प्रपोजल देखते हैं कि प्रपोजल्स टू डिप्लॉय शॉर्ट्स ऑन लेयर टू, आर यू इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। तो यहाँ पर है और ये ओपन है और अभी ये स्टार्ट डेट कब हुई है, June 23 को हुआ था और एंड डेट है June 26। यहाँ पर दो लोगों ने वोट किया है, आप भी वोट कर सकते हैं। आप अपना वॉलेट यहाँ से कनेक्ट करिए, जो भी आपके पास वॉलेट हो आप उस वॉलेट को यहाँ पे इथेरियम के कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे येस के लिए वोट करता हूँ तो मैं यहाँ पर वोट करूँगा और अपने वॉलेट से कनेक्ट करके जो ट्रांजेक्शन है इसे साइन कर दूँगा। तो इस तरह से आप इसे वोट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो करंट जितने भी इनके चल रहे हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप खुद का कोई प्रपोजल डालना चाहते हैं तब भी जो है अपना प्रपोजल डाल सकते हैं यहाँ पर कोई भी। उसके लिए भी आपको अगेन अपना वॉलेट कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्या क्या हैं, आप चॉइस क्या क्या देना चाहते हैं, येस या नो, फेवर और नॉट इन फेवर, या इस तरह से करके। और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं किस दिन आपकी वोटिंग स्टार्ट होगी, किस दिन नहीं होगी। और ये आपका ब्लॉक नंबर आ जाता है कि ब्लॉक नंबर क्या चल रहा है और यहाँ पे अप्रूवल किस तरह का चाहते हैं आप, वो भी आपको मिल जाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। और यहाँ पर आप अपना, अगर आपके पास कोई प्रपोजल है सिंथेटिक्स नेटवर्क को बढ़िया बनाने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सिंथेटिक्स के एक्टिव होल्डर हैं और आप चाहते हैं कि सिंथेटिक्स की वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज़ हो, तो यहाँ पर आप किसी भी प्रपोजल में जाकर वोट कर सकते हैं। अगर आपको वो लगता है कि ये प्रपोजल सिंथेटिक्स के प्लेटफॉर्म के लिए, इकोसिस्टम के लिए अच्छा है और इसके प्राइस को या वैल्यू को फ्यूचर में बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो आप यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन से जो आपका स्कोर है वो भी बढ़ता रहेगा और लोग आपके एड्रेस को या आपको पहचानना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप एक एक्टिव डेवलपर हैं और कल को आप सिंथेटिक्स के डेवलपर्स के साथ कुछ करना चाहते हैं और कुछ किस तरह की कोलैबोरेशन देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है उनके साथ इंटरैक्ट करने का और साथ ही साथ सिंथेटिक के कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर सिंथेटिक एज अ प्रोजेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने आपको गवर्नेंस के लिए बताया है कि सिंथेटिक प्लेटफॉर्म का गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप खुद भी जाकर के एक बार ज़रूर चेक कीजिए सिंथेटिक्स का ये गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के किस तरह से यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि हम जैसे ही कोई एजुकेशनल वीडियो लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।